तो श्री राधा के पति तुम्हें और नमन करे ब्रज लाज रखो संकट हरो सुकाटो सकल कलेश विपन बिहारी प्यारी राधा के भर तार लाज रखो विपन I'm not.
हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कृष्ण चले मथुरा, कहने का मतलब यह है कि जिस समय कंसराज परेशान था, जिस राक्षस को भेज देता है, दोबारा लौट करके वो वृंदावन से मथुरा के लिए नहीं जाता। कंस बहुत परेशान। एक दिन अगहन के महीना की द्वादशी को नारद पहुंचे और नारद ने जिस समय ये कहा कि कंस ऐसा करो, अपने यहां कोई एक उत्सव रचाओ और जिस उत्सव में कन्हैया और बलराम को निमंत्रण दे करके या किसी तरीका से उन्हें यहां तक बुलवा लीजिए, बुलाने के लिए अक्रूर को भेजिए। अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से ये कहा कि तुम जाओ कृष्ण और बलराम को बुला करके ले आओ। तो अगहन के महीना की द्वादशी को नारद आए थे, चतुर्दशी को कंस ने धनुष यज्ञ रचा। अक्रूर जी से जब ये कहा कि तुम कृष्ण बलराम को बुला के ले आओ, तो अक्रूर कहने लगे चला तो जाऊंगा लेकिन ये मेरा निश्चय क्यों न के आई बेटी तेरी। मथुरा मोहन की चेरी। अक्रूर से जब ये कहा कि तुम वृंदावन में चले जाओ और कन्हैया और बलराम को बुला करके ले आओ, तो अक्रूर जी ने एक बात कही, कंस मेरी बात मानो कि तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करेंगे उतन का। समझा करके कंस से कहने लगे हैं कंसराज अबे मथुरा मदन मुरारी, अबे मथुरा मदन मुरारी, अबे मथुरा मदन मुरारी, अबे मथुरा मदन मुरारी, ओ अभिमानी होए तेरी खुआरी, yeah।
अबितारी कृष्ण मुरारी अबतारी कृष्ण मुरारी लीला उनकी जग से न्यारी करी पैर बहुत पथिता समझाने से कंस नहीं माना और जब नहीं माना है तो अक्रूर रथ लेकर के जब मथुरा से वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर को बुलाने के लिए चले हैं दोस्तों पहुंचे वृंदावन में जाई पहुंचे वृंदावन में जाई आज मिलेंगे कृष्ण कन्हाई आज मिलेंगे कृष्ण कन्हाई सुधरी ये जीवन समझाया लेकिन कोई बात अक्रूर की कंस ने नहीं मानी तो अक्रूर जब वृंदावन में पहुंचे हैं और भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को सारी बात जब बताई है रात भर विश्राम किया है सुबह जब हुआ तब कि चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भाई है चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भाई है राम चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भाई भगवान श्याम अपने भैया बलराम जी के साथ में और सब ग्वालों को साथ लेकर के बाबा नंद भी उनके साथ हैं और कंस मामा के धनुष यज्ञ को देखने के लिए जिस वक्त चले हैं माँ यशोदा परेशान हो गई रोई के पास यशोदा आई बोली कृष्ण की पकड़ कलाई रोई के पास यशोदा आई बोली कृष्ण की पकड़ कलाई मुरली धर कुछ ध्यान देख ले यशोदा परेशान हो गई सोचने लगी दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पुत्र चुका करवाया दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया
भगवान कन्हैया के रथ के पास में खड़ी हो गई माँ यशोदा और रो करके कहने लगी, लाला लाला मुझे भूल मत जाना श्याम सुंदर। तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी माँ को ना तरसाना, तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी माँ को ना तरसाना, तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी माँ को ना तरसाना, तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी माँ को ना तरसाना। यशोदा जिस समय जाकर के भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी हैं, लाला लाला अगर तुम जा रहे हो मथुरा के लिए लेकिन हमें भूल मत जाना। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, माँ कल मामा का धनुष यज्ञ है, परसों आ जाऊंगा, परसों निश्चित आ जाऊंगा। अब माँ को समझा करके हट नहीं पाए। तब तक एक लड़की भागी और जहां सहेलियां बैठी हुई थी वहां पहुंची और कहने लगी कि सखी जाय रे गोपाल। वह लड़की उन सहेलियन से बोली कि सखी जाय रे गोपाल, अक्रूर संग मथुरा नगरी। के बोली सखी जाई रे गोपाल नंदलाल, अक्रूर संग मथुरा नगरी। तुम्हें नहीं मालूम सहेली, मथुरा से अक्रूर जी आए, और वो सहेली समझाए के बोली सुन ले बिहना राधा प्यारी, सबको छोड़ चलो बनवारी। सहेली ने जवाब दिया तजी यशोदा सी महतारी, बड़े मिथुर दिल के yeah।
सुनी इतनी सुने राधा ढवलाई सहेली की बात सुनने के बाद में जब सहेली ने जवाब दो है कि अक्रूर के संग जाए रहे भगवान मुरलीधर इतनी सुने राधा ढवलाई सब सखियां भागी फैलाई सब सखियां भागी फैलाई जाय रे यशोदा के लाल हो लाल अक्रूर संग मथुरा नगरी जाय रे लाल लाल अक्रूर संग मथुरा नगरी अब घेरो रथ चारो ओरी से जब सुनी सोई राधा सब सखियन के संग में भगवान कन्हैया के रथ को घेर लो जवाब दो श्याम कहां जा रहे हो कृष्ण भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतर के आए और जवाब दो राधा राधा मैं दूर नहीं जा रहा हूं मथुरा और मात्र यहां से 1.5 कोस की दूरी है मथुरा मथुरा जा रहा हूं राधा कि राधा मथुरा नगरी जाता पर सोही लौट के यज्ञ देखेंगे परसों आ जाएंगे राधा तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा पाता तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरो पाता है निश्चित मेरो
इतनी बात सुनी दोस्तों, जाके नीचे झुक गए नैना और नोई की बोली सेना, जाके नीचे झुक गए नैना और नोई की बोली सेना, ये झूठी बोलत बात पर सोही लौट के आना, बुरा नगरी सा पर सोही लौट के इतनी बात सुन के राधा की भगवान कन्हैया तब रथ से नीचे आए, मोहन राधा से बतलाए, श्याम सुंदर ने यह जवाब दिया, राधा जवाब दिया कि परसों आ जाऊंगा, और परसों की बात सुनने के बाद भैया रोई गई राधा सुकुमारी, अजू पकड़ी श्याम को जवाब दिया कन्हैया, बालापन में संग संग खेली, बालापन में संग संग खेली, तुम बिन कैसे रहूंगी अकेली, रोई गई राधा सीन बेली, ठाड़े बनवारी भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ने के बाद में, और राधा रोकर के कहने लगी श्याम सुंदर तुम ये कह रहे हो कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन श्याम पल पल याद तुम्हारी आवे, पल पल याद तुम्हारी आवे, परसों तक कैसे जी पावे, बिना तुम्हारे हम मर जावे, बोली दुखियारी जो पकड़ी श्याम को, भगवान कन्हैया को पकड़ने करके जिस समय राधा रोने लगी हैं और कहने लगी कन्हैया तुम क्या दर्द किसी को जानो, 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 नहीं सुख दुख को पहचानो, अपने आगे न काऊ की माना, कछु बोलो गिरधारी पकड़ी।
श्याम को हाथ जवाब दिया राधा ने कन्हैया। अरे श्याम हमने नहीं जानी, अरे श्याम हमने नहीं जानी, करे हो मेरे संग नादानी, तजदीनी राधा सी दीवानी, कही के किलकारी, अरे पकड़ी श्याम को भगवान श्याम सुंदर की ओर निहार करके। और राधा कहने लगी, कन्हैया मैं जानती हूं कि तुम परसों की कह रहे हो, लेकिन नहीं आओगे श्याम, बिल्कुल नहीं आओगे। बोलो कछु बोलो बनवारी, बोलो कछु बोलो बनवारी, काहे मोन खड़े गिरधारी, पूछे तुम्हें राधिका प्यारी, कछु बोलो गिरधारी, अजू पकड़ी श्याम को प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए श्याम, केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, चले जाइए। कन्हैया क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है, 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 तुम बिन राधा कैसे रहे, बिना तुम्हारे ना खाना खाए, कोई मरे प्यारी, अजू पकड़ी श्याम को जिस समय रोने लगी हैं दोस्तों, और भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ करके कहने लगी, श्याम क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आएगी, कन्हैया क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आएगी, लेकिन भगवान श्याम से कि नहीं बोले श्याम पर आया बलदाऊ ने समझाया, जिस समय कन्हैया का हाथ पकड़े खड़ी हैं, लेकिन श्याम सुंदर के जवान से जब कोई उत्तर नहीं आया, बड़े भैया बलराम खड़े होकर के समझाने लगे, राधा राधा तुम भी पागल बन गई क्या, राधा रोबे मतिया बे मोहन यहां, राधा रोबे मतिया बे मोहन यहां, राधा रोबे मतिया
बलराम समझाने लगे और कहने लगे, राधा भगवान कन्हैया के जबान से जब कोई बात नहीं आई है, बलराम भैया समझाने लगे और कहने लगे, राधा विश्वास करो, कल धनुष यज्ञ है और परसों निश्चित आ जाऊंगा, राधा निश्चित आ जाऊंगा। उसी समय बलराम ने जब समझाया, बलराम के पास से हट करके राधा भगवान श्याम सुंदर की कलाई पकड़ ली और कहने लगी, कन्हैया इतने निठुर न बनो, इतने निर्दयी न बनो, मैं जानती हूं कि तुम्हें इस वृंदावन में अब अच्छा नहीं लगता। श्याम सुंदर, कारण एक और है, उस मथुरा में कि वहां ज्ञान ध्यान भारी पंडित अनेक रही, यहां ग्वाल गोपी और गोपियां कमारिनी, यहां घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, बहायो नहीं अमीरन के अटायो अटारी, यहाँ साग बथुआ सौ फुवरियन के हाथ को और बहा सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जा रहवे की इच्छा तुम्हारी, मोय भूल मती जइयो, मैं तो प्रेम की पुजारिनी। भगवान श्याम कहने लगे, नहीं राधा, अपने दिल को छोटा मत करो, मैंने तुमसे क्या कहा,
परसों निश्चित आ जाऊंगा राधा, निश्चित आ जाऊंगा। तो राधा राधा रो करके कहने लगी, कन्हैया कि तुम चोर बनी के दिल कठोर करके मत जाना प्रभु जी मत जाना। चोर बनी के दिल कठोर करके मत जाना प्रभु जी मत जाना। धोखा दे के मत जाना प्रभु जी मत जाना। भगवान श्याम सुंदर से रो करके अपने मन की कहानी कही, तब तक एक दूसरी लड़की कहने लगी, दोस्त श्याम सुंदर का नहीं है राधा, दोस्त भगवान कन्हैया का नहीं है राधा, ये अक्रूर अक्रूर अगर ना आते तो भगवान क्यों जाते। तो भगवान कन्हैया के पास से हट गई राधा। अक्रूर से जोड़ के हाथ कही, अक्रूर जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। तुम्हारा नाम अक्रूर है लेकिन तुम्हें तो क्रूर लिखना चाहिए, तुम क्रूर हो अक्रूर नहीं हो। अक्रूर से जोड़ के हाथ कही, अक्रूर से जोड़ के हाथ कही, कान्हा को तजी के तुम रथ लेके चले जाना अक्रूर चले जाना। अक्रूर ने भी समझाया और जवाब दिया, राधा देखो तुम भक्तिन हो अवतारिन हो और तुम भी अगर इस तरीका से करने लगी तब क्या होगा राधा, घबराओ नहीं। राधा ने देखा कि अक्रूर से कोई बात नहीं बन रही, दोबारा भगवान श्याम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और रोने लगी, राधा फिर से पकड़ी हर की बहिया, अरे दिल तोड़ के श्याम मुख मोड़ के मत जाना प्रभु जी मत जाना। और समझाया, कर प्रेम नहीं धोखा देना, प्रेम नहीं धोखा देना, तुमने थोड़ा बन के श्याम हमें तज के मत जाना प्रभु जी मत जाना। श्याम
को छोटा करके मत रोना हे राधा मत रोना राधा को बहुत समझाया लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। और जब राधा के कोई बात समझ में नहीं आई उसी समय राधा जब बिलखने लगी हैं भगवान श्याम सुंदर समझाने लगे, राधा तसल्ली धारण करो, परसों निश्चित आ जाऊंगा। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा? नहीं, परसों आ जाऊंगा। राधा कहने लगी कान्हा, वृंदावन में अब नहीं आना ये सुना के छैया, राधा कहने लगी मैं जानती हूँ श्याम सुंदर तुम पत्थर भी हो मोम भी हो, ये भी पता है कि तुम अब दोबारा लौट करके नहीं आओगे। वृंदावन में अब नहीं आना ये सुना के छैया। अब तुम नहीं आओगे श्याम सुंदर, अरे हमें तो छोड़ो, मैं तो बहुत दूर, सबसे पहले राधा से। राधा कहने लगी श्याम सुंदर मां यशोदा से पूछो, जिस यशोदा ने तुम्हें पाल करके इतना सियाना किया उन्हें भी छोड़ करके तुम चलने लगे। हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, हमरी न मानो हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, हमरी न मानो तो यशोदा से पूछो, जाके देखे बहाना ये सुना के छैया, अपने लौट के आना ये सुना के छैया, वृंदावन में आना ये सुना के छैया। कन्हैया बात एक और भी है श्याम, मथुरा नगरी में सुंदर गुजरिया, 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 मथुरा नगरी में अटारी महलों में ही
सुंदर समझाने लगे और कहने लगे, राधा परेशान मत हो जाओ, परसों मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुम हमें झूठा समझ रही हो, क्या तुम हमें पागल समझ रही हो। राधा विश्वास करो, परसों परसों निश्चित परसों आ जाऊंगा, उसी समय मेरे भैया ले ले लकी रोई गई रे राधा सी गुजरिया। समय राधा को यशोदा समझाने लगी हैं और भगवान श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर के वृंदावन से मथुरा के लिए चल पड़े हैं, राधा को विश्वास देने के बाद में श्रोता बंधु तो क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है जो यशोदा से मिलके पूछो, और क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो।
होती है ये राधा के मिल से पूछो। सबको तड़पते हुए छोड़ करके भगवान मुरलीधर चले आते हैं मथुरा के लिए।